इसमें कॉन्स्टिट्यूशन या कैलीग्राफी देख लेते हैं, लिखावट। हाँ तो इंग्लिश में लिखावट करी थी जो कि ओरिजिनली भी है वो प्रेम बिहारी हाँ भाईसाहब, प्रेम बिहारी और राजा हिंदी बिहार में करी, बिहार देता। और हिंदी में करी थी वसंत कृष्ण वैद्य। हाँ ठीक है, वसंत कृष्ण वैद्य ने जो पेजेस के बॉर्डर थे उसको तो दो बंदों ने मिलकर बनाया था, एक थे आपका नंदलाल बोस और एक था आपका बेहोर राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, ये दो बंदे थे। नेशनल फ्लैग भी 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया था 3:2 में बंगाली वेंकैया ने। ठीक है, उनको बनाया था। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल स्टैम्प जो था वो था एलिफेंट। एलिफेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अब प्रेजेंट सिचुएशन क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है कि अब 25 पार्ट है हमारे पास, 12 शेड्यूल है और 470 आर्टिकल है, उससे प्लस आर्टिकल हो उससे सकते प्लस हैं। आर्टिकल बोलते ठीक है, उससे प्लस आर्टिकल है। कुछ लोग, 520 भी बोलते हैं। तो और टोटल अमेंडमेंट अभी तक अगर हम करंट सिचुएशन में हिसाब से चले तो शायद 107 108 हो चुका है। 108 से ऊपर हो गया। ठीक है, तो ये सब हो चुका है। अब कुछ कमिटीज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, जो उस टाइम पे जो कमिटीज़ बनाई गई थी कॉन्फ्रेंस असेंबली के लिए, तो उसमें 21 कमेटी थी टोटल। अच्छा, टोटल 21 कमेटी थी, जिसमें से 8 मेजर थे और जो 13 थे वो माइनर कमेटी थे। तो माइनर कमेटी इतना वो बस वो मेजर की सब हेड्स थे, तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मेजर पढ़ लोगे तो सारी कहानी उसी में आ जाएगी। तो मेजर में अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग कि जितनी भी यूनियन की चीज़ें थी यूनियन के लिए रिगार्डिंग, वो सब पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। और जितना भी आपके पास प्रोविंशियल था या वो आपके सब पास कोई बल्लभ भाई पटेल, फंडामेंटल राइट्स वगैरह था, ठीक है, ये सब जो थे सब वल्लभ भाई वल्लभ पटेल भाई के पास। पटेल ठीक के है, पास। तो मैक्सिमम इन दोनों के पास थी। तो जैसे मैं बात करूँ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की, तो यूनियन आया इसमें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं हम लोग यूनियन पावर कमेटी की, तो आया पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई वल्लभ पटेल। भाई पटेल। ठीक है, फिर कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, और फिर आपका आता है फ्लैग कमेटी जे बी कृपलानी। ठीक है, ये सब सारी मेजर कमेटीज थी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने ड्राफ्ट करा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें एक चेयरमैन थे और 6 मेंबर्स थे। ठीक है, 7 मेंबर्स में से जो एक चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और बाकी जो 6 मेंबर्स थे उनका नाम था सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव और टी टी कृष्णाचार्य। एन माधवराव और टी टी कृष्णाचार्य को भी एक ये कहानी है कि ये दोनों पहले नहीं थे, इनको बाद इनको में बाद में लाया गया था इसमें। बी एन राय के सजेशन पर। ठीक है, अब एन माधव रॉय जो थे वो बी एल विल्टर की जगह पे आए थे। ठीक है, रिप्लेस करे गए थे, तबीयत खराब थी, ये शायद मर गए थे, मर ऐसे गए कुछ थे, मर गए थे। कुछ था। ठीक है, तो एन माधव राय को बी एल विल्टर की जगह ले आया और टी टी कृष्णाचार्य को डी पी खेतान की जगह लाया गया था, डीपी खेतान। डी पी खेतान। ठीक है, इनके टाइम पे इन्हें लाया गया था। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स पढ़ते हैं हम लोग, उनके फीचर्स क्या थी। पहली चीज़ की सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन किसी ने लिखी नहीं है। फिर दूसरा है कि इसकी जो ब्लू प्रिंट बोले जाते हैं वो बोला जाता है हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यहीं से ली गई है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत का है वो ना ही रिजिड है और ना ही ना ही वो, ना फ्लेक्सिबल ही है। फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस करके चला इसको, और इसको बहुत सारे 60 देशों से इसे पढ़ा अडॉप्ट किया गया है, लेकिन है। 12 से ही लिया है। हाँ, मेन 12 से लिया, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ को इसमें पढ़ा गया है। ठीक है, हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग मानते हैं, जिसमें ये होता है गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा किसके, लोअर हाउस के। गवर्नमेंट जो भी होगा वो लोअर हाउस के लोकसभा से रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल 75 क्लॉज 3 भी बोलता है। ठीक है, सेक्युलर स्टेट है कंट्री का, कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म उसके लिए बराबर है, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक ही एक एक नागरिकता वाला देश है हमारा, हम लोग को राइट टू वोट है। डीपीएसपी में हम लोग इंडिया जो है थर्ड में आता है। ठीक है, थर्ड कंट्री है जिसने डीपीएसपी इंट्रोड्यूस करा था। तो ये सारे फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमने लिया कहाँ कहाँ से, सोर्स क्या कह रहा है इंडियन सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके ऊपर भी एक कहानी है कि बहुत सारे जो लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स बोलते थे अपने आप को, तो उनका ये मानना था कि जो भारत का जो संविधान है वो कॉपी पेस्ट संविधान है। ठीक है, कॉपी पेस्ट संविधान है, इन्होंने सब पूरा संविधान जो है कॉपी कर लिया है बाकी सब देशों से।
जो हम बोलते हैं 60 देशों से पढ़ा है, तो इन लोगों का कहना था क्योंकि ये छिड़ते थे, इन्होंने बना कैसे लिया, इन लोगों का कहना था इन्होंने कहीं से कॉपी कर लिया। तो बाद में जो हमारे भारत के जो संविधान के एक्सपर्ट्स थे वो उन्होंने आंसर दिया कि ये जो है कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है, थीम जरूर अडॉप्ट करिए हमने फॉरेन देशों से, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से थीम अडॉप्ट करिए, लेकिन प्रोविजंस जो इसमें सारे हैं वो सब हमारे अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो सब हमारे हैं, थीम जरूर तुम्हारे से लिया हमने लेकिन प्रोविजंस हमारे हैं। तो ये उन्होंने आंसर दिया उसका, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया था। तो पहले है आयरलैंड, आयरलैंड के आयरलैंड हमने लिया था, आयरलैंड से लिया हमने डीपीएसपी लिया, तो आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। इसको याद करने के मैंने ट्रिक भी बना रखी है, डीएम नॉमिनेटेड, ठीक है, डी से डीपीएसपी, एम से मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और नॉमिनेटेड से नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है। कनाडा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रिक नहीं इसमें, ईजी है, क्योंकि हमने यूनियन जो है, यूनियन शब्द जो है वो हमने कनाडा से लिया, ठीक है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, सेंटर मजबूत होगा, सेंटर मजबूत होना चाहिए, वो हमने कनाडा से लिया। गवर्नर का अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, वो हमने कनाडा से लिया। एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, जो एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 143 भी बोलता हमारा, ठीक है, ये भी हमने कनाडा से लिया, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन काम करता है, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है। फिर आता है तीसरा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैंने एक ट्रिक बना रखी है, यू एफ सी एल जे, ठीक है। यू से हमारा आता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, एफ से आता है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, सी से आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि सेंटर और स्टेट लिस्ट और दोनों मिला दिए तो कॉन्करेंट लिस्ट बन जाता है, एल से आता है लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, जे से आता है जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट। ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रांस, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हमने, और आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया वहाँ से, ठीक है, जो कि हम प्रीएम्बल के ऐसे कीवर्ड्स भी पढ़ते हैं हम लोग उसको, ठीक है। रशिया या यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस लिया। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 लिया, या और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। आयरलैंड से हमने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा लिया, और हमने साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ राज्यसभा लिया। जापान से हमने प्रोसेस इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया, ठीक है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, या जर्मनी बोलो उसको, वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स सस्पेंशन लिया ड्यूरिंग इमरजेंसी। और ब्रिटेन से हमने लिया, काफ़ी चीज़ें लिया हमने ब्रिटेन से, सिंगल सिटीजनशिप लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, रूल ऑफ लॉ, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जिसके अंदर दो हाउसेस बताया, राज्यसभा लोकसभा, रिट्स लिया, या आपका सिविल सर्विसेज वाले सारे लिए, ऑफिस ऑफ कैग लिया, तो सब तो मतलब वो जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 उसी से सारा लिया था। तो मैंने ब्रिटेन का भी एक ट्रिक बना रखा है, ठीक है, एस पी आर बी आई, ठीक है, एस पी आर बी आई डब्ल्यू सी। अब एस से हमारा सिंगल सिटीजनशिप, पी से पार्लियामेंट्री फॉर्म, आर से हो गया आपका रूल ऑफ लॉ, बी आई से आरबीआई का जो बी आई है उससे हो गया बाइकैमरल, डब्ल्यू से हो गया रिट, सी से हो गया कैग, ठीक है, सी से हो गया कैग, और सी एक और जोड़ दोगे डब्ल्यू सी सी तो सिविल सर्विसेज, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और अब बात करते हैं यूएसए से हमने भी काफ़ी कुछ लिया है, मेन चीज़ें, प्रीएम्बल लिया हमने, फंडामेंटल राइट्स लिया, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस का था वो लिया, कि प्रेसिडेंट बीइंग अ सुप्रीम कमांडर होना चाहिए वो हमने उससे लिया, अटॉर्नी जनरल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये हमने उससे लिया, बाकी गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से ऑलमोस्ट 70% प्रोविजन हमने 1935 के अधिनियम से लिया, ठीक है, जिसके अंदर हमारा जुडिशियल सिस्टम आ जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी पावर इन हैंड ऑफ सेंटर, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, ये सब हमने अपने अधीन 1935 से लिया, ठीक है। तो ये कहानी थी पहले कुछ बेसिक,